दोस्तों, जब भी कोई स्पेस लवर अंतरिक्ष की दुनिया को जानने की कोशिश करता है तो वह एक ख्वाब जरूर देखता है कि वो एक बार अंतरिक्ष की दुनिया का सफर करे, अपनी धरती को आउटर स्पेस से घूमते हुए देखे। लेकिन अंतरिक्ष में जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बिना रॉकेट और स्पेस सूट के हम अंतरिक्ष की दुनिया में कदम नहीं रख सकते, और स्पेस में जाने के लिए भी अच्छे खासे बजट की जरूरत होती है। तो स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करना अभी फिलहाल एस्ट्रोनॉट तक ही सीमित है। लेकिन दुनिया भर में कई लोग ऐसे भी हैं जो स्पेस में तो नहीं, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों और समुद्रों की गहराइयों में जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक नाम ऐसा भी है जो इन सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स से भी आगे निकल गया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर फेलिक्स बॉम गार्टनर की, जिन्होंने 2012 में स्पेस डाइविंग का रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में स्पेस से ही छलांग लगा ली थी, वो भी नॉर्मल सेफ्टी हार्नेस और पैराशूट के साथ। लेकिन क्या वे इस स्पेस डाइविंग को पूरा कर पाए थे, और डाइविंग करते समय उनके साथ कौन सी अनहोनी हुई थी, यही सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते आज का वीडियो। दोस्तों, फेलिक्स एक ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर है जो प्रोफेशनली स्काई डाइविंग और बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बेस जंपिंग करते आए हैं। उनका सपना बचपन से ही उड़ने का था, जिसके चलते वे स्काई डाइवर बने। और फिर सन 1999 में फेलिक्स ने हाईएस्ट पैराशूट जंप का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसमें उन्होंने मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित पेट्रोनस ट्विन टावर से बेस जंप परफॉर्म किया था, जिसकी ऊंचाई करीब 452 मीटर की थी। और फेलिक्स ने आगे चलकर कई स्पेस डाइविंग और बेस जंपिंग की हैं जो काफ़ी फेमस हुए थे। उनकी सभी सक्सेसफुल डाइविंग को देखकर उनको 2010 में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। इस प्रोजेक्ट में फेलिक्स को साइंटिस्टों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्काई डाइविंग करनी थी, और इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया था रेडबुल कंपनी ने, और यहीं से ही शुरुआत हुई थी स्पेस डाइविंग प्रोजेक्ट की। रेडबुल कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का नाम रेडबुल स्ट्रेटोस रखा था, जिसमें इस प्रोजेक्ट को लेकर सभी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि फेलिक्स को स्पेस डाइविंग करनी थी तो उनके लिए खास स्पेस सूट बनाया गया था, जिसमें इक्विवाइटल लाइफ मॉनिटर लगाया गया था, जिससे स्पेस डाइविंग करते वक्त फेलिक्स की साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को धरती के आउटर स्पेस के एक्सट्रीम एनवायरमेंट में भी मॉनिटर कर सके। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया गया था कि उनको करीब 36,600 मीटर यानी करीब 1,20,000 फुट की ऊंचाई से जंप करना था। इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए एक खास कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया था, जो करीब 1,315 किलोग्राम का था, और इस कैप्सूल को स्पेस तक ले जाने के लिए एक विशाल बलून का यूज किया गया था, और इस बलून में हीलियम गैस भरी गई थी, क्योंकि हीलियम गैस हवा की तुलना में काफी हल्की होती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हाइड्रोजन गैस हीलियम से भी हल्की होती है, तो हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वेल, हाइड्रोजन गैस बहुत ही जल्दी आंख पकड़ लेती है। दोस्तों, फेलिक्स को स्पेस डाइविंग परफॉर्म करने से पहले दो टेस्ट जंप क्लियर करने थे। पहली जंप 15 मार्च 2018 को की गई थी, जिसमें फेलिक्स को करीब 71,000 फुट की ऊंचाई से जंप करना था। इस जंप में फेलिक्स 580 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से नीचे आए थे, और दूसरी जंप 25 जुलाई 2012 को परफॉर्म किया गया था, जिसमें फेलिक्स को इस बार करीब 97,000 फीट की ऊंचाई से जंप करना था। और इस जंप में उनके साथ एक एक्सपीरियंस स्काई डाइवर को भी भेजा गया था, जिन्होंने करीब 1,00,000 फीट की ऊंचाई से फेलिक्स के साथ जंप लगाई थी, ताकि वे फेलिक्स को गाइड कर सके और साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट कर सके। और ये टेस्ट भी फेलिक्स का बिल्कुल सफल रहा था। और अब बारी थी फाइनल स्पेस जंप की, जो 21 अक्टूबर 2012 को करीब सुबह 9:30 बजे रॉसवेल इंटरनेशनल एयर सेंटर से लॉन्च के लिए रेडी था, और फेलिक्स को उस कैप्सूल में बिठाया गया और स्पेस बलून से अंतरिक्ष के लिए छोड़ दिया गया। और करीब 2.5 घंटे बाद कैप्सूल अपने टारगेट एल्टीट्यूड पर यानी 38 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। दोस्तों, फेलिक्स जिस एल्टीट्यूड पर थे उसे हम अंतरिक्ष नहीं बोल सकते, क्योंकि वह धरती की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर थी यानी समताप मंडल। धरती का एटमॉस्फेयर भी 5 लेयरों में बटा हुआ है। पहला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर और पांचवा एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का वातावरण बहुत ही पतला होता है, जहां सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड को क्रॉस करने वाले जेट प्लेन ही उड़ पाते हैं, जो साउंड बैरियर को तोड़ पाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, साउंड बैरियर को तोड़ने के लिए किसी भी चीज को 1240 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ना या गिरना होगा, तभी वह साउंड बैरियर को तोड़ पाएंगे। लेकिन हम स्ट्रेटोस्फेयर को पूरी तरह अंतरिक्ष नहीं बोल सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। उस स्ट्रेटोस्फेयर में हवा मौजूद होती है, लेकिन बहुत ही कम, और यहाँ टेम्परेचर भी -30 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में बिना स्पेस सूट के बच पाना नामुमकिन है। ऐसे में फेलिक्स को स्पेस सूट में कैप्सूल में लगे दोनों HD कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे,
और 15 मिनट बाद वे अपने कैप्सूल से सीधा जंप लगाते हैं और जंप लगाने के 42 सेकंड के बाद ही उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि उन्होंने साउंड बेरे के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। वे करीब 1342 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से नीचे आ रहे थे। ऐसे में उनका सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऐसी स्पीड में अपनी बॉडी और अपने पैरों को स्टेबल करना, क्योंकि एक गलत मूवमेंट से वे हवा में ही घूमते रह जाते। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ जब फेलिक्स बीच में अपना संतुलन खो बैठे थे और हवा में ही घूमते हुए सीधा नीचे गिर रहे थे। दोस्तों, जिस तरह फेलिक्स हवा में घूम रहे थे उसे फ्लैट स्पिनिंग कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट किसी लट्टू के जैसे घूमना शुरू कर देता है और स्पीड के साथ साथ वह घूमने की स्पीड भी उसकी तेज हो जाती है। ऐसे में अगर फेलिक्स अपना संतुलन खो बैठते तो घूमने से सारा खून उनके सर में चढ़ जाता और उनकी वही मौत हो सकती थी। और दूसरी तरफ अगर ऐसी सिचुएशन में फेलिक्स अपना पैराशूट ओपन कर देते तो चांसेस थे कि पैराशूट की तारे उनके घूमने के कारण उनके ऊपर ही उलझ जाती, जिससे उनका बच पाना नामुमकिन हो जाता और वे सीधा जमीन पर आकर टकरा जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद फेलिक्स ने किसी तरह अपने को संभाल लिया था और स्टेबल होने लगे थे, जिससे टीवी पर देख रहे सभी लोगों को राहत मिली थी। और फिर जम के करीब 4:16 बाद फेलिक्स ने पैराशूट ओपन कर दिया और 4:30 बाद वे रॉसवेल के डेजर्ट में जाकर लैंड किए थे। इस स्पेस डाइविंग की कामयाबी से फेलिक्स अपने को रोक नहीं पाए और लैंड करते ही अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगे थे। और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद फेलिक्स ने हाईएस्ट स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया था और इस स्काई डाइविंग को YouTube पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया जा रहा था। और दोस्तों, आप सभी को सुनकर हैरानी होगी कि इस लाइव स्ट्रीम को 90 लाख से भी ज्यादा लोग उस टाइम देख रहे थे, जो कि YouTube पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग व्यू काउंट था। और जिस कैप्सूल में फेलिक्स ने स्काई डाइविंग की थी उसको भी सही सलामत पैराशूट के जरिए रिकवर कर लिया गया था। और ऐसे फेलिक्स दुनिया के पहले स्पोर्ट्समैन बने जिन्होंने धरती के आउटर स्पेस से स्काई डाइविंग की थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।